देखो आज से मैं क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 10th क्लास में ज्योग्राफी सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें हैं तो उनकी आज हम शुरुआत करेंगे। जितने भी चैप्टर हैं एक एक को क्रम वाइज में खत्म करने की कोशिश करूंगा। देखो ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी शब्द बना किसे है? जियो प्लस ग्राफी या ग्राफोस, जो का मतलब हो गया पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब हो गया वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का या भूगोल का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना, यानी हम जितनी भी बातें पढ़ेंगे वो पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी से संबंधित। भूगोल की दो होती है आपको पता है, प्रमुख शाखाएं, एक मानव भूगोल होती है, एक भौतिक भूगोल होती है, जो 10th के बाद में आपको 11th 12th में पढ़ने को मिलेगी। देखो 10th क्लास की ज्योग्राफी के बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है जो कम से कम 20 अंकों के होंगे। आपके ध्यान रखना है चार पार्ट है आपके, तो चार पार्ट चारों 20 20 अंक के होते हैं, तो ये भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखना हम आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी का, अपने 10th क्लास की ज्योग्राफी बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम क्या है? संसाधन और विकास है। देखो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, संसाधन और विकास। देखो संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वो चीज, कोई भी वस्तु इस दुनिया में जो मानव की आवश्यकता है क्या करता है, पूर्ति करता है, वो हमेशा क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। जैसे मेरे हाथ में जो मार्कर है, जो मेरे उपयोग में आ रहा है, मेरे काम में आ रहा है, तो ये क्या है, संसाधन है। देखो संसाधन को बनाने के लिए हमें तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, तकनीक जिसको प्रौद्योगिकी कह सकते हैं, तकनीक की आवश्यकता पड़ती है जो क्या होती है, आर्थिक, जो आर्थिक रूप से संबंधित होती है। ध्यान रखना किसी आर्थिक रूप से क्या होती है, अगर तकनीक है, तकनीक से ही हम किसी न किसी संसाधन का क्या कर सकते हैं, उसको हमारे लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। किसी भी वस्तु को हमारे लिए उपयोगी किसके माध्यम से बनाया जा सकता है, संसाधन की, इसे तकनीक के रूप में बनाया जा सकता है। यानी तकनीक की वजह से कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारी आवश्यकता के लिए उसको बनाया जा सकता है। वो संसाधन वो कहलाएगी जो हमारे आर्थिक रूप से काम में आ रही है। ध्यान रखना संसाधन कौन से कहलाएगी, जो हमारे आर्थिक रूप से क्या रही है, काम में आ रही है। तो ये ध्यान रखना संसाधन कहलाता है, संसाधन वो चीज होती है यानी उसे कहते हैं संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको क्या कहते हैं, संसाधन कहा जाता है। अगली बात करते हैं विकास। देखो विकास, विकास वैसे इकोनॉमिक्स में अलग से इसका चैप्टर को पढ़ेंगे विस्तृत रूप से हम, तो उसके बारे में अध्ययन हम बाद में करेंगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के बारे में सारे डिटेल से पहले से अध्ययन कर लेना चाहिए कि आगे पूरी फिल्म हमने आप कह सकते हो पार्ट के नाम पर ही छुपी हुई है, पूरी की पूरी, पूरा जितना भी है इसमें। तो हम सबसे पहले देखेंगे संसाधन, संसाधन किसे कहते हैं। आप ना नोटबुक में, अपनी नोटबुक में सारे के सारे नोट सुधार लेना, हूबहू ध्यान रखना। संसाधन किसे कहते हैं, पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण मतलब पृथ्वी में उपलब्ध जितने भी, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संसाधन कहते हैं उन्हें। ध्यान रखना पर्यावरण या पृथ्वी में उपस्थित या में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। ध्यान रखना अब देखो संसाधन की बात करते हैं, संसाधन का वर्गीकरण, हम सबसे पहले संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखो संसाधन के वर्गीकरण की बात करें तो संसाधन का वर्गीकरण एक तो होता है प्राकृतिक रूप से, एक होता है मानवीय रूप से। हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, प्राकृतिक रूप से, मानवीय रूप से। यानी संसाधन का वर्गीकरण इस हिसाब से करते हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से, एक मानवीय रूप से, दोनों दृष्टिकोण से ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं नवीकरणीय योग्य, नवीकरणीय योग्य संसाधन। प्राकृतिक संसाधन दो भाग होते हैं इसके, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन, एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, पूछेगा भी नहीं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। कौन कौन से हो गए, एक तो नवीकरणीय संसाधन हो गए, एक अनवीकरणीय संसाधन हो गए। नवीकरणीय योग्य संसाधन के दो भागों में, एक सतत है, दूसरा कौन सा है, जैव है। सतत, सतत में क्या आएगी, पवन। जैव में जो जीव जंतु आएंगे, ध्यान रखना प्राकृतिक वनस्पति और क्या आएंगे, वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये प्राकृतिक संसाधन हो गए। आपको पता है वनस्पति से, प्राकृतिक वनस्पति से मैं कह सकता हूँ वन से, हमें बहुत सारी चीजें मिलती है आपको पता है, वन से हम क्या, जितने भी कागज है, गूंद है, इसके अलावा फर्नीचर के लिए लकड़ी होती है, वो सभी हमें किससे मिलते हैं, प्रकृति से मिलती है, वनों से मिलती है, इसीलिए वो संसाधन के रूप में।
वन्य जीव, वन्य में रहने वाले जीवों की वजह से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, तो ये भी एक संसाधन के रूप में, कौन से संसाधन? जैव संसाधन। अब है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक में, दूसरा अनवीकरणीय, ये भी दो भागों में है, एक तो पूर्ण चक्रीय, एक अचक्रीय। पूर्ण चक्रीय मतलब धातु, देखो इसका उदाहरण क्या है, धातु। धातु को हम क्या कर सकते हैं पूर्ण चक्र किस, देखो मैं बताऊं आपको, धातु है जैसे मान लेना लोहा है, लोहा, लोहे को उपयोग करने के बाद में जो भी इसका स्क्रैप बचता है इसको हम पूर्ण चक्रित कर सकते हैं, पूर्ण चक्रीय कर सकते हैं, और उसको वापस हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में कर सकते हैं। जिसे आपने देखा होगा लोहे प्लास्टिक वाले जितने भी आते हैं तो वो क्या करते हैं, इन सारे के सारे को वापस कहाँ भेज देते हैं, इस स्क्रैप को भेज देते हैं, बेचने के बाद में वो इसका क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं या पूर्ण चक्र करते हैं। तो किसका होता है, धातु का। एक होता है अचक्रिय, अचक्रिय में कौन से संसाधन आते हैं, जीवाश्म संसाधन। देखो जीवाश्म संसाधन वे संसाधन या जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हजारों लाखों वर्षों में दबे होने के कारण ताप एवं दाब की वजह से बने होते हैं, वो जीवाश्म ईंधन होते हैं। अब देखो जीवाश्म ईंधन में जैसे मैं कह सकता हूं कोयला, इसके अलावा प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल जिसे हम पेट्रोल कह सकते हैं, इसके अलावा गैस, ये जीवाश्म ईंधन है। अब देखो जीवाश्म ईंधन है, ये अचक्रिय है। अब तो कोयले, कोयले को एक बार उपयोग करने के बाद क्या वापस इसका उपयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक तेल, पेट्रोल और इसके अलावा गैस, इनका वापस उपयोग हम नहीं कर सकते, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, इनको अचक्रिय संसाधन कहा जाता है, यानी इसको वापस हम वापस क्या नहीं कर सकते, इनको बना नहीं सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। इसके बाद में संसाधनों के प्रकार, संसाधन के प्रकार खूब सारे होते हैं, सारे प्रकार को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों के प्रकार पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन में सबसे पहला है जैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति किनसे होती है, जीवों से होती है, जिनकी प्राप्ति हमें किससे होती है, जीवों से प्राप्ति होती है। यानी जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति किनसे होती है, जीवों से होती है, जैसे वनस्पति और पशु। देखो इनसे कैसे, आप लिखो वनस्पति, यानी वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती है, इसके अलावा इनसे हमें कागज यानी विनिर्माण करके हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा गोंद प्राप्त होता है, खूब सारी चीजें इनसे प्राप्त होती है। तो ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है, संसाधन है, ध्यान रखना। तो जैव संसाधन वनस्पति से हमें लकड़ी प्राप्त होगी, कागज, गोंद वगैरह वगैरह। इसके अलावा पशु, पशु से हमारे मानव की बहुत सारी क्रिया, बहुत सारी चीजें टिकी हुई है पशु पर, जैसे दुग्ध घर, इसके अलावा मांस। तो पशु भी क्या है, एक प्रकार से संसाधन है। कैसे संसाधन है, जैव संसाधन है। दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टान, इसके अलावा धातुएं, चट्टान और धातुएं। जैसे चट्टान बहुत सारी, जैसे तीन प्रकार की चट्टान होती है, कायांत्रित, औषधीय और आग्नेय चट्टान होती है। इन सभी चट्टानों में आपको पता है क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खनिज, यानी इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार का जीव नहीं है, खनिज, जैसे लोहा अयस्क हो गया, इसके अलावा चांदी हो गया, जस्ता हो गया, सीसा हो गया, कैडमियम हो गया, बहुत सारी चीजें निकलती है, टंगस्टन वगैरह वगैरह, ये सब ध्यान रखना। तो दो हो गए उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव संसाधन। अगला है समाप्यता के आधार पर, यानी जिनके समाप्त हो सकते हैं, बहुत सारे संसाधन जो समाप्त नहीं होते। ये आज के 2 साल पहले पूछा जा चुका है, वैसे ध्यान रखना ये क्वेश्चन। सबसे पहले एक नंबर पे इसकी बात करें तो नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन ये भी 2 प्रकार का होता है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक प्रक्रिया या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। यानी नवीकरणीय संसाधन जिनको हम असमाप्य संसाधन भी कहा जा सकता है, जिनको हम गैर परंपरागत संसाधन भी कह सकते हैं, ये संसाधन कभी भी खत्म नहीं होते हैं। आप देखो सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होगी, पवन ऊर्जा भी कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इनको भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, नवीकरणीय संसाधन को, कि वे संसाधन जो जिन्हें भौतिक, रासायनिक प्रक्रिया या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है।
इसके उदाहरण याद रखना सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अगला है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, इन संसाधनों को बनने में बहुत समय लगता है। अनवीकरणीय संसाधन को भी दूसरा नाम असमाप्य संसाधन हो जाता है। इसके अलावा इसमें परंपरागत संसाधन भी कहा जा सकता है, याद रखना अनवीकरणीय संसाधन को। इसके इन संसाधनों को बनने में बहुत सारा समय लगता है, जैसे जीवाश्म ईंधन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने जीवाश्म ईंधन की पृथ्वी के उथल फुथल या मैं कह सकता हूँ पृथ्वी के दबे होने के कारण लाखों करोड़ों वर्षों में बनने वाले संसाधन कौन से होते हैं, जीवाश्म संसाधन या जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और इसके अलावा खनिज, तो ये ध्यान रखना विशेष तौर पर इनको।